लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मोदी और चीन की प्रेम कथा तो जग जाहिर है और उस प्रेम कथा में अब एक त्रिकोणीय एंगल आरएसएस का आ गया है, लेकिन ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास में चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए। वो वहां क्यों गए? आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है, आरएसएस तो अपने आप को गैर राजनीतिक दल, सांस्कृतिक दल बताता है। तो वहां पे क्या हुआ? और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीन के मुखपत्र ने मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े। ये अलग बात है कि बायां हाथ कुछ और कर रहा है, दाहिने को उसका पता ही नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी 2024 में इस देश के विदेश मंत्री ने कहा चीन और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। तो जब रिश्ते सामान्य नहीं है तो वहां पर चीन के दूतावास के लोग क्यों गए आरएसएस? यह अलग बात है कि यही विदेश मंत्री पिछले साल कह रहे थे कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी के साथ कैसे निपटेंगे। अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान करना कोई एस जयशंकर से सीख ले। लेकिन अब याद रखिए कि हुआ क्या है। अप्रैल मई 2020 के बीच में चीन घुसपैठ कर रहा था और 15 जून की वो सियाह रात 2020 की जब 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई। यह अलग बात है कि चार दिन बाद मोदी जी ने देश से सीधा सफेद सपाट झूठ बोला और बिना पलक झपकाए कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि तब से 19 कोर कमांडर लेवल की बातचीत में, मीटिंग में, चीन वही क्लीन चिट लेकर बार बार दोहराता है कि आपके प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। लेकिन इस दौरान क्या किया? इस दौरान मोदी सरकार ने हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट, जहां तक हम गश्त करते थे, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उनको बफर जोन में डाल दिया। जिन रणनीतिक इलाकों पर हमने कब्जा किया था वहां से सेना को पीछे किया गया। और यही नहीं, सिर्फ 21 लोगों को इस देश में परमवीर चक्र मिला था, उसमें से एक मेजर शैतान सिंह थे जिनका स्मारक लद्दाख में बना हुआ था, उस स्मारक को भी बफर जोन में डाल दिया गया। और सिर्फ स्मारक बफर जोन में नहीं डाला गया, अब कहा जा रहा है उसको शिफ्ट किया जाएगा। और इसकी पुष्टि भाजपा के खुद के काउंसलर ने लद्दाख में की है, वहां के चरवाहों ने की है कि जहां तक पहले जा सकते थे अब जा नहीं पा रहे। अरे सब कुछ छोड़िए, इनका खुद का सांसद अरुणाचल में कहते हैं कि चीन गांव बसा रहा है और मोदी जी की आंखों से चीन के प्रेम की पट्टी ही नहीं उतरती है। लेकिन इस दौरान सरकार ने क्या किया जब यह सब हो रहा था? सरकार ने चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया और $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया। आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने कुछ छोटी मोटी ऐप्स को बैन कर दिया। चीन के राष्ट्रपति से मोदी जी की करीब 18 मीटिंग हुई है, 30 बार आए गए हैं, वो अलग बात है। इन 18 मीटिंग्स में मोदी जी ने देश के हित के बारे में क्या बात की मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अभी एक मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में अगस्त 2023 में, और उस मीटिंग के बाद चीन ने एक मैप रिलीज किया जिसमें हमारे ही देश के जगहों का अपने देश में बता दिया गया। मोदी जी चुप रहे, बिल्कुल चीन का नाम नहीं लेते हैं। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, यहां पर तो उनको झूले झूलने से फुर्सत नहीं है, ये साबरमती के तट पे झूल रहे हैं। महाबलीपुरम में नारियल पानी पिलाने से फुर्सत नहीं है, यहां पर शहनाई सुनने से फुर्सत नहीं है। और जब 20 जाबाजों की शहादत के बाद वो पहली बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले तो बजाय लाल आंख दिखाने के लाल शर्ट पहन के गलबैया करने को तैयार थे। तो आज सवाल यह है कि आपकी मोहब्बत का जो चीन से खामियाजा है, उसका जो कॉस्ट है वो देश अदा कर रहा है, उसकी कीमत देश चुका रहा है। अब ये आरएसएस के साथ क्या खिचड़ी पक रही है, ये समझिए, समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी भूभागीय अखंडता पर, हमारी संप्रभुता पर चीन अगर नजर उठाकर देखेगा तो उससे सेना निपट लेगी। लेकिन आप लोगों के बीच में क्या पक रहा है ये देश जानना चाहता है, और ये जवाब आपको भी देना पड़ेगा और ये नागपुर में बैठे हुए आरएसएस के लोगों को भी देना पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।